हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं बैठा हूँ हमारे इंडिया की 7 सीटर एक कार के अंदर। अब जो ये कार है, पहले तो इस गाड़ी को इतना रुतबा नहीं मिल पाया, लेकिन अब इस गाड़ी को पूरा रुतबा मिलने वाला है। मेन रीज़न यह भी हमें इस गाड़ी के अंदर मिलता है अब एक डीजल इंजन। जिस टाइम देखा जितनी भी 7 सीटर गाड़ीज आ रही है MPV के अंदर, ना कि SUV के अंदर, MPV के अंदर इस टाइम जितनी भी गाड़ीज आ रही है, किसी भी गाड़ी के अंदर हमें जो डीजल इंजन है वो देखने को नहीं मिलता। पहले हमें अर्टिगा के अंदर डीजल इंजन मिलता था, अब उसे हटा दिया गया। पहले हमें इनोवा के अंदर डीजल इंजन मिलता था, लेकिन अब जो इनोवा हाईक्रॉस आ रही है उसके अंदर में डीजल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी को 7 सीटर के अंदर डीजल इंजन गाड़ी चाहिए तो उसके पास सिर्फ इस टाइम एक ही ऑप्शन है, वो है किया कार्स। और साथ ही इसका जो डीजल इंजन है वो कोई ऐसा ऐसा डीजल इंजन है, इसके अंदर हमें जो डीजल इंजन मिलता है वही सेम इंजन हमें क्रेटा और सेल्टस के अंदर देखने को मिलता है। और हमें बस भी जानते भी जो क्रेटा और सेल्टस का डीजल इंजन है वो कैसा है कैसा नहीं। बाकी जो ये गाड़ी है, इस टाइम इस गाड़ी का मेरे पास खड़ा है बेस वेरियंट, सॉरी मेरे पास नहीं, शोरूम के पास खड़ा है इस गाड़ी का बेस वेरियंट। और चेक करते हैं अभी हमें किया कारेंस के बेस मॉडल के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही पेट्रोल और जो इसका टर्बो इंजन है उसकी बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो हमें इस टाइम सभी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस कारण ये गाड़ी फेमस होगी वो है इस गाड़ी का डीजल इंजन। तो हमें इस गाड़ी के अंदर कौन सा डीजल इंजन देखने मिलेगा, क्या उसकी पावर है, क्या उसका प्रोड्यूस है, और क्या वो जो वो गाड़ी प्रोड्यूस करेगी, उसके साथ ही ये गाड़ी के अंदर जो माइलेज है वो कैसी रहने वाली है, ये सभी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस गाड़ी के फ्रंट से भी, हमें फ्रंट में इस गाड़ी का क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। अगर सबसे पहले बात की जाए गाड़ी की से, तो हमें इसमें कुछ इस तरह की जो की है वो देखने को मिलेगी, जो कि एकदम आम सिंपल की ही रहने वाली है। किसी तरह का इसमें लॉक एंड अनलॉक का जो बटन है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ ही अगर बात की जाए फ्रंट डिज़ाइन की, तो हमें इसमें कुछ इस तरह का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमें किया कि जो बैचिंग है न्यू वाली वो देखने को मिलेगी। उसकी तरफ ही हमें यहाँ नीचे की तरफ इस गाड़ी में जो ये चीज़ दी गई है, और साथ ही जो ये हमें सिंपल हैलोजन के अंदर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें DRLs का कोई भी यूज़ नहीं किया गया, और साथ ही जो हमें ये चीज़ बीच में दी गई है ये हमें पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि टेक्सचर के अंदर रहने वाली है। और साथ इसका जो टेक्सचर है वो आप अपने यहाँ देखिए, मैं जो फ्रंट से इसका जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा लगता है। उसके साथ ही अगर बात की जाए नीचे, तो नीचे हमें फोग लैंप का कोई भी ऑप्शन इस वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर भी जो उस गाड़ी की सिल्वर स्क्रीन है ये हमें सिल्वर फिश में देखने मिलेगी, और यहाँ पर जो टेक्सचर है उसका यूज़ किया गया है फ्रंट से। तो इस गाड़ी की जो फ्रंट से लुक है वो कुछ इस तरह की रहने वाली है। साथ ही अगर बात की जाए अब इस गाड़ी के साइड डिज़ाइन से, तो इस गाड़ी का जो साइड डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा, जो कि एकदम आम सिंपल ही रहने वाला है। यहाँ पर हमें इस गाड़ी के फेंडर पर जो इस गाड़ी का टर्न इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही में इस गाड़ी में JK टायर्स मिलने वाले हैं, जो कि रहने वाले हैं 195/65R15 इंच के टायर देखने को मिलेगा। और आगे की तरफ पीछे की तरफ हमें इस गाड़ी में जो स्टील रिम है सेम वही देखने को मिलेगा। उसके तरफ हमें यहाँ पर इस गाड़ी में बॉडी कलर जो उस गाड़ी का ORVM है वो देखने को मिल जाएगा। और साथ इसका जो इंडिकेटर है वो हमें यहाँ फेंडर पर दिया गया है। उसके साथ ही हमें इस गाड़ी में जो डोर हैंडल है वो भी हमें बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें किसी तरह का जो भी सेंसर है वो नहीं दिया गया। पीछे की तरफ भी हमें इस गाड़ी में डोर हैंडल बॉडी कलर में देखने मिलेंगे। उसके साथ ही हमें इस गाड़ी के अंदर 195mm की जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलती है। 1300 से 1400 kg के बीच इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो रहने वाला है। और साथ ही हमें इस गाड़ी के अंदर 2780mm का हमें इस गाड़ी के अंदर जो व्हील बेस है वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें लेंथ विड्थ और हाइट की, वो आपको यहाँ नीचे की तरफ शो करी रही होगी। उसके साथ ही अगर बात करें यहाँ इस गाड़ी के रियर टायर की, तो हमें यहाँ पर जो उसका रियर टायर है वो भी सेम में 15 इंच का ही देखने को मिलेगा। आगे की तरफ हमें डिस्क ब्रेक दी गई है, पीछे की तरफ हमें सिंपल ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। उसके साथ ही जो यहाँ टायर है वो हमें JK टायर्स का ही दिया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए स्विफ्ट फीचर की, तो हमें इसमें ABS+ EBD ये सभी जो स्विफ्ट फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की रियर लुक की, तो इस गाड़ी का जो रियर लुक है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। पीछे से भी हमें जो ये गाड़ी है वो एकदम सिंपल ही देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ हमें जो एंटीना है वो देखने मिल जाएगा। हाई स्टॉप लैंप हमें इसका हैलोजन में ही देखने को मिलेगा। और साथ ही पीछे की तरफ हमें रियर वाइपर एंड रियर डिफोकर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें इस गाड़ी में जो लाइट्स मिलने वाली है वो हमें LED के अंदर मिलने वाली है, ऐसा आपको देख के लगेगा, लेकिन ये हमें हैलोजन के अंदर ही मिलने वाली है। बाकी हमें यहाँ पर इस गाड़ी का इंडिकेटर और इस गाड़ी जो पार्किंग लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। कारंस की हमें यहाँ पर बैचिंग मिल जाएगी। नीचे तरफ हमें 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर हमें से मिल जाएंगे। साथ ही हमें यहाँ पीछे तरफ यहाँ पर दो रियर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही हमें नीचे तरफ जो इस गाड़ी में सिल्वर स्किड है वो हमें ब्लैक कलर के अंदर ही देखने को मिलेगी। बाकी अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो जब इसकी रियर सीट फोल्ड होगी तो हमें इसमें कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और जब इसकी थर्ड रो ओपन होगी तो हमें इतना बूट स्पेस हमें इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें कुछ टूल्स रखने के लिए या थोड़ा सामान रखने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। उसके साथ ही हम यहाँ पर अपना 1 2
ये दो या तीन बैग हम आसानी से रख सकते हैं। उसके साथ ही अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इसमें कुछ इस तरह का जो इंटीरियर है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी अब चेक करते हैं हमें इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला इंटीरियर, हमें इस गाड़ी के अंदर कितना इंटीरियर क्या कुछ देखने को मिलता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर कोई भी इस गाड़ी में जो रियर कैमरा है उसका ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं किया कि बैचिंग मिल जाएगी, और साथ ही इस गाड़ी की जो साइड लुक है वो कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलने वाली है। बाकी अब चेक करते हैं हमें इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए डोर की, तो हमें इसमें कुछ इस तरह का जो डोर हैंडल है वो देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर हमें पावर विंडो के कंट्रोल, साथ ही डोर लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाएगा। स्पीकर ग्रिल हमें यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिख जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस दिख जाएगा, और ये हमें सिल्वर कलर के अंदर दी गई है। उनके साथ ही जो इस गाड़ी का ORVM है उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी हमें बटन, कोई भी हमें जो की है वो देखने को नहीं मिलेगी, और जो दूसरा वाला है उसको भी हम वहीं से कंट्रोल कर लेंगे, जो कि मैनुअली होगा। उसके साथ अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंदर के इंटीरियर की, तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं थोड़ा सा पीछे, तो हमें इस गाड़ी में कुछ इस तरह का जो इंटीरियर है वो देखने मिलेगा। डोर हैंडल भी, उसके साथ ही इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो हमें ड्यूल टोन कलर में देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा। थोड़ा सा जो लाइट की प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर आ रही होगी। उसके साथ ही अगर बात की जाए सबसे पहले हम स्टेयरिंग व्हील की, तो हमें इसमें कुछ इस तरह का जो स्टेयरिंग व्हील है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें जो बटन्स हैं वो दिए गए, जो कि इसके मीटर को कंट्रोल करेंगे। एयरबैग की बैचिंग में यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ ही जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो टिल एंड टेलीस्कोपिक ओनली टिल होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें इसमें दिया गया है। उसके साथ ही हमें यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल और यहाँ पर हमें लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। उसके साथ ही इस गाड़ी के जो AC वेंट्स है वो हमें एक यहाँ और एक यहाँ पर और एक वहाँ पर देखने मिलेगा। मतलब कि हमें इसमें कुछ फिजिकल नहीं दिया, जो इसके AC वेंट्स है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसके साथ ही अगर करते पहले गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट और दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का मीटर, तो उसके साथ ही हमें इसमें कुछ भी इंजन स्टार्ट वर्कआउट नहीं मिलेगा। सिंपल हमें इसमें फिजिकल की मिलेगी, जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे और जो हमारी गाड़ी है उसको करेंगे ऑन। तो अगर सबसे पहले बात की जाए मीटर की, तो हमें इसमें कुछ इस तरह का जो मीटर कंसोल है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर हमें इस गाड़ी का किलोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर हमें इस गाड़ी का जो RPM है वो देखने मिल जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ किलोमीटर, नीचे हमें टेम्परेचर की लाइट, यहाँ पर हमें फ्यूल की लाइट साथ ही मिल जाएगी। ऊपर हमें इस गाड़ी का जो फ्यूल गेज है, टोटल किलोमीटर ये गाड़ी कितनी चलेगी वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ शो कर रहा है, जो हमारा ये वाला डोर है वो वाला ओपन है। उसके साथ ही हम इसमें चेक करते भी और क्या क्या चीज़ मिलेगी। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर ना ये चीज़ कुछ दिखा नहीं रहा है, मतलब बेस मॉडल है, हम ज़्यादा भी इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं कुछ ज़्यादा दिखाएगा, मतलब किलोमीटर रेंज ट्रिप भी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर में ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता। बाकी हमें यहाँ पर जो उसका डैशबोर्ड है वो एकदम प्लेन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें टॉप मॉडल के अंदर जो स्क्रीन है 10 इंच की वो मिल जाएगी, लेकिन बेस मॉडल के में कुछ भी जो स्क्रीन है या फिर मैं म्यूजिक सिस्टम उसको ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए जो इस गाड़ी के स्पीकर है वो भी एकदम खाली देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमें यहाँ पर इस गाड़ी का जो हैजर लाइट का बटन है वो मिल जाएगा। AC वेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ ही जो AC के कंट्रोल्स है वो भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि फिजिकली रहने वाले हैं। उसके साथ एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी भी, हमें यहाँ पर जो एयर का फ्लो है कम ज़्यादा करने के, वो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया गया है डिज़ाइन के वाइज, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन, उसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर अपना फोन कुछ भी रख सकते हैं। 6-स्पीड का हमें इसमें ट्रांसमिशन देखने मिल जाएगा, 6-स्पीड का मैनुअल, ऑटोमेटिक, CVT ट्रांसमिशन हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। मैनुअल हमें इसके अंदर जो इस गाड़ी की ब्रेक है वो मिल जाएगी, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही इतना हमें इस गाड़ी के अंदर जो इसका आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस है वो मिल जाएगा, और उसके साथ ही हमें यहाँ पर एक छोटा सा ट्रे मिल जाएगी जहाँ पर हम अपना सामान रख सकते हैं। बाकी इसकी जो आर्म रेस्ट है उसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और साथ ही यहाँ बात की जाए तो हमें इसमें कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी हमें ऊपर की तरफ इस गाड़ी का जो वैनिटी मिरर है, ये मैनुअल हमें इसके अंदर लाइट, मैनुअल IRBM, इधर की तरफ भी हमें ये चीज़ मिल जाएगी। कुछ ज़्यादा हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ ही अगर बात की जाए सीट के कंफर्ट का, तो जो सीट है वो भी हमें फैब्रिक के अंदर देखने को मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट का हमें इसमें कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल्स में हमें इस ये वाली और ये वाली जो सीट है वो हमें वेंटिलेटेड देखने को मिल जाएगी। मतलब कि अगर बात की जाए ना फीचर्स वाइज, तो बेस मॉडल के अंदर हम ज़्यादा कुछ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इंजन वाइज, तो इसे ये इस टाइम इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर हमें जो डीजल इंजन है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो ये गाड़ी है ये रहने वाली है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ, रियर व्हील ड्राइव का हमें कुछ भी ऑप्शन देखने
देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी को माइलेज चाहिए और उसको ऐसी माइलेज चाहिए भी जो लंबी से लंबी किलोमीटर भी चल जाए, क्योंकि इसकी जो माइलेज है वो अप्रोक्स हमें 24 से 25 kmpl के बीच देखने को मिल जाएगी। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट की तरफ और देखते हैं हमें पीछे कितना स्पेस इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो जो ये वाली सीट है उसको मैंने कर लिया है अपने हिसाब से एडजस्ट और देखते हैं पीछे भी हमें जो स्पेस है वो कितना देखने को मिलेगा। तो यहाँ से करते हैं हम गाड़ी को पहले लॉक और चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट की तरफ। तो पीछे की तरफ भी हमें जो डोर हैंडल है वो हमें बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाएगा और साथ ही पीछे की तरफ भी हमें इसका जो डोर हैंडल है वो कुछ इस तरह का देखने मिलेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, पावर विंडो का कंट्रोल्स यहाँ पर ये हमें सिल्वर में देखने को मिल जाएगी, स्पीकर ग्रिल हमें यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है। उसके साथ ही जो इसकी रियर सीट है वो कुछ इस तरह की रहने वाली है जो कि एकदम ब्लैक कलर में ही दी गई है और ये हमें मिलने वाली है फैब्रिक के अंदर। तो बैठते हैं पहले गाड़ी के अंदर और देखते हैं भी जो ये गाड़ी है वो कैसी रहने वाली कैसी नहीं। तो सबसे पहले बात की जाए स्पेस की, तो ये देखिए जो ये सीट है तो जो ये वाली सीट है उसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके आया हूँ। साथ ही जो मेरी हाइट है, मेरी हाइट है 5'8" की आसपास, लेकिन फिर भी जो इस गाड़ी के अंदर स्पेस है वो आप अपने आप देखिए भी कितना ज़्यादा स्पेस है। मैं एकदम कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ कि मैं क्या, अगर मेरी हाइट का मतलब कि मेरी हाइट छोड़ो, अगर कोई 6 फुट वाला भी बंदा हो ना तो वो भी यहाँ पर आसानी से बैठ जाएगा, इतना स्पेस हमें यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही हमें यहाँ पर एसी का कंट्रोल देखने मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें इस गाड़ी के अंदर जो हेडरेस्ट है वो दिए गए हैं। बीच में हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी जो इस गाड़ी की आर्मरेस्ट है वो मिल जाएगी, जिसके अंदर हमें 2 कप होल्डर दिए गए, और जब हम इसकी आर्मरेस्ट को बंद करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी। उसके साथ ही अगर बात की जाए ऊपर की तरफ भी, तो ऊपर की तरफ हमें इसमें कुछ एसी वेंट्स इस तरह के दिए गए हैं जो कि एकदम काफ़ी यूनिक लगते हैं मुझे तो, एक्चुअली यहाँ से दिखाता हूँ देखिए। और साथ ही जो इनका एयर फ्लो है वो इस हिसाब से दिया गया है कि जब ये ऐसे रहेंगे तो जो इसका एयर फ्लो है वो सीधा रहेगा, लेकिन जब हम इसको इधर कर उधर कर देंगे तो जो इसका एयर फ्लो है वो घूम के आएगा। यहाँ पर हमें लाइट दी गई है, तो मॉडल्स में मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर LED लाइट देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही अब अगर बात की जाए सीट के कम्फर्ट की, तो जो ये वाली सीट है बीच वाली वो तो काफ़ी अच्छी है। अब चेक करते हैं इस गाड़ी की रियर सीट, इस गाड़ी की जो रियर सीट है वो कितनी अच्छी है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ भी जो ये सीट है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को इस टाइम मिल रहा है। तो इस सीट को करते हैं आगे और चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट की तरफ। तो जिसकी जो सीट है उसको मैंने कर दिया है फोल्ड और अब बैठते हैं गाड़ी की रियर सीट में और करते हैं पहले डोर को बंद, पहले करते हैं और सीट को बंद करने के बाद जो मेरे पास स्पेस है ये देखिए हमें इस गाड़ी में कितना स्पेस देखने मिलता है। और अगर मैं इसकी सीट को पीछे भी कर देता हूँ ना तब भी मैं इस गाड़ी में आसानी से बैठ जाऊँगा, तो भाई स्पेस के मामले में इस गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इतना स्पेस हमें इस गाड़ी के अंदर दिया गया। उसके साथ ही हमें यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पर AC वेंट्स देखने को मिल जाती है, लाइट्स मिल जाती है, और साथ ही इसके जो AC वेंट्स है उसको हम वहाँ से कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए ना तो स्पेस की, तो इस गाड़ी के अंदर स्पेस के मामले में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए जो ये सीट है वो हल्की सी हो रखी है आगे, लेकिन जो ये सीट है यहाँ पर भी अगर मैं ट्राई करूँ तो यहाँ पर भी मैं एकदम कंफर्टेबली होकर बैठूँगा, इतना स्पेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ना अगर इस सीट को हल्का सा आगे कर दिया जाए तब भी मैं इस सीट में काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठूँगा। तो भाई स्पेस के मामले में इस गाड़ी अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और एक मेन चीज़ जो CNG गाड़ी होती है ना माइलेज उनके अंदर में 27-28 की मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर हमें एक जो नेगेटिव पॉइंट है ये मिलता है कि CNG गाड़ी खत्म होने के बाद हमें दोबारा CNG रिफिल करानी पड़ती है, और उसके लिए हमारी गाड़ी में 6 लोग बैठे हों 7 लोग हमें उनको उतरवाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसे कोई भी इसका एक बार फ्यूल टैंक करा और गाड़ी को लेके जाओ गाड़ी के अंदर अगर तेल खत्म भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाहर से ढक्कन खोलो पेट्रोल का, पेट्रोल पड़ाओ, कोई पीछे बैठा है, कोई सो रहा है, उसको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आने वाली। तो स्पेस के मामले में प्लस इंजन के मामले में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली। बाकी अब चेक करते हैं इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला हम इंजन भी, इस गाड़ी का इंजन है वो कैसा मिलता है। उसके साथ ही अगर हम इस गाड़ी के बैठे हैं पीछे की तरफ और हमें गाड़ी से बाहर निकला तब भी एक सिंपल सा ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने मिलता है, जब हम ये बटन दबाएंगे तो जो सीट है ये ऑटो फोल्ड हो जाएगी और हम यहाँ से आसानी से इस गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे। उसके साथ ही हमें इसके अंदर जो 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है, जिसको हम अंदर से ही एक्सेस कर पाएंगे। बाकी अब चेक करते हैं हम इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला इंजन, तो हमें इसके अंदर कुछ इस तरह का जो इंजन है वो देखने को मिलता है, जो कि रहने वाला है पेट्रोल के अंदर ये वाला इंजन, लेकिन इसका जो डीजल इंजन है
उसको उसकी जो पावर और फिगर है वो आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी। बाकी अगर बात की जाए गाड़ी हमें कहाँ पर अवेलेबल हुई है, तो अगर आप किया कैरेंस का बेस मॉडल लेना चाहते हो, किया कैरेंस का टॉप मॉडल लेना चाहते हो, किया सेल्टस लेना चाहते हो, किया सोनेट लेना चाहते हो, किया सेल्टस के ऑल वेरिएंट, किया सोनेट के ऑल वेरिएंट लेना चाहते हो, अगर आप किया कैरेंस का ऑल वेरिएंट लेना चाहते हो तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंबाला के आसपास रहते हो, मोहन किया नाम से शोरूम है, जो शोरूम है वहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे ग्रेट डील देखने को मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको हर एक वेरिएंट यहाँ पर देखने मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास किया कैरेंस का बेस मॉडल खड़ा है, उसके साथ ही जो किया सेल्टस का बेस मॉडल है वो हमें वहाँ पर देखने मिल जाएगा, किया सोनेट का हमें बेस मॉडल वहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारे पास किया सोनेट एक्स लाइन जो कि हमारे पास है मैट कलर के अंदर, किया सोनेट का भी जो एक्स लाइन वेरिएंट है मैट कलर के अंदर वो भी हमें देखने को मिल जाएगा, किया सोनेट का ब्लैक कलर भी हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो कोई सी भी गाड़ी है या कोई सी भी गाड़ी है या कोई सा वेरिएंट है वो हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा। जो शोरूम का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई सी भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप यहाँ शोरूम के अंदर आ सकते हैं।